यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, श्री अंजनी कुमार सिंह जी, श्री सुहास शर्मा जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, इस विभाग के सचिव श्रीमती एन विजय रत्नी जी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, श्री विनोद गुंजाल जी, डॉक्टर वैली सतीरो विजय भास्कर रेड्डी जी, एच रहमान साहब और मंत्री बड़ी संख्या में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई क्षेत्र में सबसे पहले पशु मत्स्य संसाधन विभाग और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्टॉक और उन तमाम लोगों को अपनी ओर से बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान आज यहाँ पर लॉन्च करने का काम किया है। मेरिंडा फाउंडेशन को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग के कारण और यह रिपोर्ट तैयार हो पाई है। मित्रों, जैसा मैंने वो बता रहे थे, कृषि यानी जो एग्रीकल्चर है उससे साल में केवल 180 दिन का रोजगार मिल सकता है। क्या धान करें, गेहूं करें, बाकी दिन क्या होगा? और जो गरीब आदमी जो भूमिहीन है, इसके पास बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा है, तो ठीक से खेती भी नहीं कर पाता है, उसके लिए पशुपालन ये सबसे बड़े आय का स्रोत है। और कहते हैं कि लघु और सीमांत किसानों की आमदनी का 36% ये केवल पशुपालन से प्राप्त होता है। और मित्रों, बिहार ने कितनी प्रगति की है, एक जमाने में जो विभाग कितना बदनाम था, जो विभाग कहां से कहां पहुंच गया, अब मैं बताना चाहूंगा कि इस साल केवल बाहर से मछलियां बिहार में नहीं आती, बिहार की मछलियां बाहर जाने लगी है और 32,000 टन मछली नेपाल, सिलीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, रांची, गोड्डा आदि प्रमुख शहरों में और बिहार की मछली जा रही है। मित्रों, पिछले 10-11 साल के अंदर मछली का उत्पादन बढ़कर लगभग 5,87,000 मेट्रिक टन हो गया है। अब थोड़ा सा गैप बचा है, अब थोड़ा से गैप को अगर पूरा कर लें तो मछली के मामले में बिहार और आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बिहार के लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि जानवर को भी टीका लगाया जाता है, यहाँ तो आदमी को भी टीका नहीं लगता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदमी के साथ साथ बकरा, बकरी, बाछा, बाछी और जानवरों के टीकाकरण का भी काम प्रारंभ हुआ और आज करोड़ों की संख्या में जानवरों का टीकाकरण किया जा रहा है। डी वार्मिंग, बच्चों का डी वार्मिंग तो सुबह कृमि नाशक, लेकिन जानवरों का डी वार्मिंग हो रहा है। और जिस तरह से आदमी का आधार नंबर है, वैसे जानवरों का भी नंबर जो है और उनको दिया जा रहा है, यानी तकनीक का इस्तेमाल करके उसका भी इस्तेमाल और किया जा रहा है। और से मित्रों, अभी जो इन्होंने रोड मैप तैयार किया है उसमें अगले 5 साल में 6,300 करोड़ का खर्च करने का इन्होंने और उसने रखा है कि 6,300 करोड़ का खर्च करने की आवश्यकता है और 6,300 करोड़ में 16% केवल सरकार के माध्यम से खर्च हो पाएगा और 84% ये निजी क्षेत्र को खर्च करना है। मित्रों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को बकरी पालन, गौ पालन, बाकी के लिए चेक विकसित कर रहे थे, तो बिहार में बहुत बड़ी संभावना है और निजी क्षेत्र के लोग पोल्ट्री में, फिशरी में, डेयरी में बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। और इससे मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि बैंक इसके अंदर आगे आए। और मैंने देखा कि पिछले साल 3,178 करोड़ रुपए का लक्ष्य था बैंकों को डेयरी सेक्टर में और बैंकों ने 2,30,000 लोगों को केवल 1,567 करोड़ का ऋण वितरित किया है। यानी इतना टारगेट था 3,177 करोड़ का आधा ऋण केवल बिहार में वितरित किया है।
ये हजार 500 और तीसरे में तो केवल लक्ष्य का 10% ऋण वितरित किया गया और की केंद्र 20% का मैं बैंकों से आग्रह करूंगा कि मेरी फिशरी पॉलिटी के अंदर जो 18-19 का लक्ष्य है जो 19-20 का लक्ष्य है इसी अगर जो नया मास्टर प्लान बना जिसमें 6,300 करोड़ का 5 वर्षों में खर्च का उन्होंने उल्लेख किया है ये लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं बिहार सरकार कॉमफेड और भी जितनी एजेंसी है और जब बैंक अगर सहयोग करें तो जो लाइफ स्टॉक मास्टर प्लान के अंदर जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य बहुत आसानी से और हम हासिल कर पाएंगे साथ ही साथ मैं पशुपत संसाधन विभाग से ये भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10,881 करोड़ का और नाबार्ड में फंड भारत सरकार ने प्रावधान किया है थोड़ा उसका ब्याज दर थोड़ा ज्यादा है लेकिन अगर हमको डेयरी प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है डेयरी प्लांट्स को संग्रह केंद्र हो तो फंड का भी हमको उपयोग करना चाहिए साथ ही मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि पिछले साल के बजट में भारत सरकार ने ऐलान किया था कि जिससे किसान क्रेडिट कार्ड में केवल 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है उसी प्रकार बजट में घोषणा की गई थी कि फिशरी और डेयरी सेक्टर को भी और 4% ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उस योजना को तुरंत लागू करें आज जो बैंकों से कर्ज ले रहे हैं लोग उनको 10-12% ब्याज देना पड़ रहा है तो अगर डेयरी फिशरी पॉल्ट्री के सेक्टर में अगर ब्याज अनुदान अगर अगर मिलना प्रारंभ हो जाए क्रॉप लोन के समान तो निश्चित तौर पर हम काफी लंबी दूरी तय कर पाएंगे आज के अवसर पर माननीय विभागीय मंत्री पारस जी एंड विजयलक्ष्मी जी और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जिनके दिशा निर्देश में इस विभाग ने इतनी बड़ी प्रगति हासिल की है तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई और अपनी शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।